जैसा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि सभी लोग अपने घर से बाहर ना निकलें और अपने घर में ही रहें एक कोरोना वायरस नाम की किसी बीमारी को लेकर के, जिसमें आप पूरे क्षेत्र को देख करके घूम रही हैं, और इस पर क्या कैसे बचने के लिए अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं? जनता कर्फ्यू का सरई क्षेत्र में पूर्णतः पालन किया जा रहा है और लोगों में ने स्वयं ही ये करके रखा है कि हमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ केसेस नहीं मिले कि लोग बाहर दिख रहे हों या शॉप्स खुली हों। जो भी कुछ इक्का दुक्का खुली थी वो हम लोगों ने बंद करवाई हैं ताकि लोगों में ये जागरूकता फैले कि कोरोना वायरस में सेल्फ आइसोलेशन ही एक तरीका है इसको फैलने से रोकने का। दूसरा जो प्रयास किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, जो भी सरई गजरा बहरा निवास झारा रेलवे स्टेशन पर जो भी ट्रेन्स रुक रही हैं उनमें सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। मेडिकल टीम वहां पर तैनात है और पटवारी हमारे वहां तैनात है, पुलिस की टीम भी तैनात है, और जो भी ऐसे यात्री जो मध्य प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं उनके हाथ पर एच माने कि हाउस या होम का निशान बनाया जा रहा है। और ये आदेश निकाला है कलेक्टर सर ने कि ऐसे लोगों को 15 दिन तक अपने घर में ही रहना है। अगर ये 15 दिन से पहले कहीं भी मार्केट में कहीं भी घूमते पाए जाते हैं तो इनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। इसके लिए हमारी टीम्स लगातार सतत निगरानी रखी हुई है। जैसा कि मैम कलेक्टर साहब का ये आदेश था कि उसमें लिखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति अंतरराज्य से आता है या कि वो विदेश से आता है तो उसकी गांव में हम चिन्हित करके उसके हाथ पे एच का निशान बनवाएंगे, तो इस पे कौन सी टीम जाएगी उनको? ये हमारे सभी पटवारी अपने अपने हलकों में तैनात है। पटवारी, सचिव और पुलिस, ये तीनों विभाग लगे हुए हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करने में। कुछ हमारे पास नाम भी आए हैं जिन पे हमने डॉक्टर की टीम और ये वाली टीम दोनों साथ में गए हुए हैं इनको चिन्हित करके इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए। जैसा कि अपने पूरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है कि जो गरीब लोग हैं, 5 वर्ष के बच्चे हो गया कि 60 वर्ष से ऊपर आयु वाले हो गए, उनको मास्क क्या अनिवार्य है जिस हिसाब से मास्क लगाने की, तो उन्हें कम कीमतों पे कैसे, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे उपलब्ध हो सके? देखिए मास्क सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो बच्चे हैं और जो 60 वर्ष के ऊपर के लोग हैं ये अपने घर से निकले ही ना। अगर नहीं निकल रहे हैं तो मास्क की आवश्यकता नहीं है। मास्क की जरूरत तब है जब अगर किसी को सर्दी खांसी है या फिर कोई ऐसे पब्लिक प्लेस में जा रहा है या कोई बाहर से आए हुए व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है, तब मास्क लगाना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में अगर घर पर हैं और ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो आपके पहचान के ही हैं, जो बाहर नहीं गए हैं अभी रिसेंट पास्ट में, तो फिर मास्क को लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। साफ सफाई रखें, अपना हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और उसके अलावा ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद।